नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले यूपी बीएड 2020 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी बीएड 2020 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के पहले मैं बता दूं, इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, जिससे आपको पता चल जाए कितनी फीस है, योग्यता क्या रखी गई और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूपी बीएड 2020 की सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। चलिए अभी इस वीडियो में देख लेते हैं कैसे आपको ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है बिना गलती के एंट्रेंस एग्जाम का। तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आज से 12 फरवरी 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट बात करें तो यहां पर 6 मार्च 2020 रखा गया है, तो लास्ट डेट का तक आपको एप्लीकेशन फिलअप कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते तो 11 मार्च तक कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू यूजर कैंडिडेट है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाएगा ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार का। सत्य आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इंट्रक्शन मिलेगा, इंट्रक्शन को आपको रीड कर लेना है और इसका इंट्रक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ नोटिफिकेशन वीडियो, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर बताएगी, देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारा रीड करके आपको नीचे चले आना है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आई एग्री पर टिक मार्क कर लेना है और नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है तो सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक एक अपना डिटेल फिलअप करना है। तो चलिए मैं एक एक सारा डिटेल फिलअप करके बताता हूँ कि कैसे आपको एकदम सही सही फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन सारा डिटेल आपको देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर डिटेल एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट हैव शुड हैव मिनिमम 14 ईयर्स एज, आपका एज जो यहाँ पर मिनिमम 14 ईयर्स बताया गया दोस्तों। यहाँ पर एज की काउंटिंग और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं 30/6/2020 से किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नेम इंटर करना है, तो एक एक करके सारा डिटेल मैं इंटर करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नेम में अपना नेम इंटर कर लेना है हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद वही नेम आपको कन्फर्म कर लेना है, फिर से दोबारा री इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फादर्स नेम इंटर कर लेना है, अपने फादर्स का नेम इंटर कर लेना है। इसके बाद वही नेम आपको कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद मदर्स नेम आपको इंटर करना है, देख सकते हैं हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग मदर्स नेम इंटर कर लेना है और वही नेम कन्फर्म कर लेना है। ऐसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में रहेगा, DDM/month/years इसी फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहां पर फिर से री इंटर कर लेना है, मतलब रीसेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी, एक पर्सनल ईमेल आईडी इंटर करना है और यहां पर कंफर्म करके फिर से इंटर कर लेना है। ऐसे ही सेम यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी इंटर करना है और वही मोबाइल नंबर यहां पर इंटर कर लेना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है यहाँ पर कैप्चा कोड का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा कोड शो हो रहा है, कैप्चा कोड इंटर करके आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। तो चलिए कैप्चा कोड इंटर करके सबमिट करते हैं। से आप कैप्चा कोड इंटर करके सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऐसा मैसेज होता है, ओटीपी सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, प्लीज चेक वैलिडेट। तो यहां पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है फिर से। अब यहां पर आपको ओटीपी इंटर करना होता है, देख सकते हैं यहां पर ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है, तो इस जगह आपको ओटीपी इंटर करना है और यहां पर टाइम भी दिया गया है, 5 मिनट का आपको समय दिया गया, 5 मिनट के अंदर इंटर करना है। यहां पर रीसेंड भी कर सकते हैं, इसके बाद वैलिडेट ओटीपी करना है। तो चलिए ओटीपी इंटर करके वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी इंटर कर लिया, आप सिंपली यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन है तो वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो चलिए वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आ जाएगा ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका ओटीपी वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिर से आपको दिख रहा है, कैप्चा कोड इंटर करके यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन फिर से मिल रहा है, तो फिर से आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है कैप्चा कोड इंटर करके। यहाँ पर मैंने कैप्चा कोड यहाँ पर इंटर कर लिया, इसके बाद फिर से रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। तो चलिए रजिस्टर पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रजिस्टर पर आपको सिंपली क्लिक करना है कैप्चा कोड इंटर करके, तो देख सकते हैं रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा यहाँ पर।
ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आपको एक फ्लैश मैसेज शो होगा, देख सकते हैं, ईमेल हैज बीन सेंट योर रजिस्टर ईमेल आईडी, प्लीज क्लिक द लिंक ईमेल आईडी वेरीफाई। तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा गया है, उस पर एक लिंक गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाइड करना है। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक देख सकते हैं मिल गया है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी सारी शो हो रही जो अभी तक आपने फिलअप किया है। तो चलिए अब आपको ईमेल आईडी पर अपने जाकर लिंक को वेरीफाई करना है, तो चलिए ईमेल आईडी पर आपको लेके चलते हैं। दोस्तों जब आप अपना मेल आईडी ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बीएड के एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से यहाँ पर तीन मेल आए होंगे, पहला आपका ओटीपी वाला था, दूसरा यहाँ पर वेरिफिकेशन लिंक का है, और तीसरा जो आया यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का है। तो चलिए सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन लिंक पर आपको क्लिक करना है, और आपको अपनी ईमेल आईडी जो वेरीफाई कर लेना है, यहाँ पर लिंक दिया गया है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, और जैसे आप ओपन करेंगे तो ये आपका ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। तो चलिए वेरीफाइड कर लेते हैं ईमेल आईडी को। मैसेज शो होगा, ईमेल आईडी वैलिडेटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू पोर्टल टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब यूजर आईडी से और पासवर्ड की हेल्प से लॉग इन करना है। तो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है आपके मोबाइल पर भी भेजा जा चुका है, और आपकी ईमेल आईडी पर भी भेजा जा चुका है। तो चलिए लॉग इन करके कंप्लीट करते हैं। तो अब आपको फिर से होम पेज पर आना है, और यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था, तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन था साइन इन का, तो यहाँ पर अब आपको साइन इन करना है, क्योंकि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है जो कि आपके मोबाइल पर और ईमेल पर भेजा जा चुका है। तो चलिए इसकी हेल्प से यहाँ पर लॉग इन करते हैं। तो देख सकते हैं ऐसा पेज आएगा, तो यहाँ पर आपको लॉग इन आईडी अपना इंटर करना है, और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करके लॉग इन करना है। तो चलिए यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर कर लिया है, यहाँ पर लॉगिन आपको करना है, तो चलिए लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है यहाँ। तो चलिए अब एक एक करके आपको दिखाएंगे। आपको देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स होगा जो अभी तक आपका शो हो रहा था, अब दिखाते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी सारी डिटेल आपकी शो होती है जो अभी तक आपने फिलअप किया है। लेकिन आगे का स्टेप जो है यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं आपको नजर आएगा कि आगे का स्टेप कैसे फिलअप करना है। देख सकते हैं आप पूरे जो है पेज पर कहीं भी आपको ऑप्शन आगे के स्टेप पर जाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हमें लगता है कि यहाँ पर वेबसाइट में ही जो है अभी अपडेट नहीं किया गया, केवल रजिस्ट्रेशन के लिए अभी पोर्टल चालू किया गया है। तो हो सकता है कल तक ये जो है स्टार्ट हो जाए आगे का स्टेप के लिए। तो जैसे ये स्टार्ट होता है आपको इसके नेक्स्ट जो है वीडियो मिल जाएगी कि आगे का प्रोसेस कैसे करना है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी डेट बहुत है, तो आप जो है नेक्स्ट डे ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे इसका सेकेंड पार्ट अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।